हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब घर के अंदर एक नन्ना मुन्ना मेहमान आता है तो पूरा घर किलकारियों से गूंजने लगता है, जिसकी वजह से माँ हो या पिता हो, दादा हो या दादी हो, सब ही अपने बचपन में लौट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस नन्हे मुन्ने शिशु का ख्याल रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी कि नवजात शिशु के साथ किस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टिप नंबर 1, अक्सर नवजात शिशु खाना ना खाने की वजह से, पेट में दर्द होने की वजह से या फिर टॉयलेट कर देने की वजह से बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसे शांत कराने के लिए माता पिता उसे जोर जोर से घुमाना शुरू कर देते हैं या फिर झुलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप नवजात शिशु को जल्दी जल्दी या जोर जोर से घुमाते हैं तो ऐसा करने से उनके शरीर के कई आंतरिक अंगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए जब भी आपका नवजात शिशु रोए तो उसे हल्के हाथों से सहलाएं और हल्के हल्के ही घुमाएं। ऐसा करने से बच्चा शांत भी हो जाएगा और आराम से सो भी जाएगा। टिप नंबर 2, नवजात शिशु को स्तनपान कराना ज़रूरत से पहले बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि नवजात शिशु को कम से कम 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने बाद उसे ऊपर का खाना हल्का फुल्का करके देना चाहिए। लेकिन अगर आप नवजात शिशु को आहार के साथ स्तनपान कराना बंद कर देती हैं तो ऐसा करने से बच्चे के अंदर कुपोषण के और भी लक्षण पनप सकते हैं, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। ऊपर का आहार सिर्फ उसे और ज़्यादा मजबूती दे सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो उसे स्तनपान कराने से बिल्कुल ना चूके, साथ ही साथ अतिरिक्त पोषण के लिए उसे घर का बना हल्का फुल्का खाना जरूर दें। टिप नंबर 3, अक्सर माएँ बच्चों को दूध पिलाते समय बॉटल को उनके मुंह में ही भूल जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बॉटल को मुंह में लेते लेते ही सो जाता है। क्या आप जानती हैं कि इस तरीके से दूध की बॉटल का बच्चे के मुंह में होने से भी उनका दम घुट सकता है? इसीलिए आपका नवजात शिशु जब भी दूध पी रहा हो तो आपको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब वो दूध पी ले तो उसके मुंह से बॉटल हटाकर अलग रख देनी चाहिए और फिर उसे आराम से सुला देना चाहिए। टिप नंबर 4, नवजात शिशु को पानी की मात्रा कम देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे दूध के साथ पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है, साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर आयोडीन का बढ़ता हुआ स्तर भी घट सकता है। इसीलिए नवजात शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। टिप नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि नवजात शिशु को कभी भी तकिए के साथ नहीं लेटाना चाहिए। जब भी आप नवजात शिशु को सिलाएं तो उसे हमेशा सपाट बिस्तर पर ही सुलाएं। आप चाहे तो उसके अगल बगल तकियों को रख सकते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए, क्योंकि बच्चे की रीढ़ की हड्डी और सर बहुत ही नाजुक होता है। अगर आप उसके नीचे तकिए लगा देंगे तो श्वसन नलिकाओं में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसे टिप्स जिनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु आने वाला है। इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।